कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है। तेजी से दुनिया के कई देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। संकट की इस घड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों से एक दूसरे का सहयोग करने की अपील भी की है। इस बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से चिकित्सकीय आपूर्ति बढ़ाने की मदद मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से फोन पर काफी देर तक बातचीत की और कोरोना वायरस टेस्ट किट के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की मांग की। अमेरिका के इस अनुरोध पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन खुद उन कंपनियों का दौरा करने पहुंचे जहां कोरोना वायरस टेस्ट किट तैयार किया जा रहा है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने अमेरिका को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इन दोनों देशों में संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अगर दोनों देशों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो अब तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका में करीब 65,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जबकि 910 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी देशों की तरह यहाँ भी लॉकडाउन कर दिया गया है और युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है।